देखिए हमारे यहाँ लखनऊ में एक जगह है नखास। नखास में तोते बड़े अच्छे मिलते हैं। तो तोते हर प्रजाति के एक पर्टिकुलर बात हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक बीजेपी की वही स्थिति है कि वही तोता मार रट्टा मार वही टीवी पे बैठ के हमेशा बोला करते हैं। आप सरकार हो, आपकी जवाबदेही जनता ने तय की है, आपके हाथ में शासन प्रशासन दिया है, आप जब भी टीवी पे बोले तो लगना चाहिए कि हाँ सरकार बोल रही है। ऐसा रिएक्ट करते जैसे विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। ये पहली बार इतनी बेशर्मी भरी चीज है मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की राजनीति। वो गाना है, हैरान हूँ मैं बीजेपी की बेशर्मी देखकर, इसको बेशर्मी कहूँ तो बेशर्मी को क्या कहूँ। क्या आप लोग टीवी पे बोल रहे हो? अखिलेश जी के साथ फोटो वायरल हूँ तो हाँ की है उसमें, अरे उंगली नीचे करो अभी, बोलना खूब बोलना, आप ही को आप ही से जवाब देंगे। अभी वो फोटो मैंने सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूँ और जो जो सच्चाई है उसको बोल रहा हूँ। सरकार का आपका अधिकार नहीं है किसी को, बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे जब टाइम दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। मनोज जी बात रखिए अपनी, बात रखिए अपनी मनोज जी, ठीक है मनोज जी बात रखिए अपनी, बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि सरकार बुलडोजर चला रही है, बेहतर है, अच्छी चीज चलाना भी चाहिए। अवैध मकान होगा तभी बुलडोजर चला है, और चाहे आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लो, कोई ना कोई मकान में कमी रही होगी, या तो उसका नक्शा नहीं पास रहा होगा, या तो उसका नक्शा गलत रहा होगा, या तो एक मंजिल की जगह चार मंजिल बन गया होगा, कुछ ऐसे ही रीजन बता के वो ध्वस्त किया जा रहा। तो इसमें माफियागिरी कहां ध्वस्त हो रही है? और या तो बीजेपी कह दे कि हम इसलिए ध्वस्त कर रहे हैं कि वो माफिया का मकान है, टीवी चैनल पर बयान दिला दो, मुझे भी लगेगा कि हाँ ये सरकार माफिया तंत्र से लड़ती हुई नजर आ रही है।